Okay, so class 10th, today we are going to start the new chapter of mathematics, and that is construction. Construction में कुछ basic concepts होते हैं और जिनको आपको ध्यान में रखना होता है, ठीक है। एक तो construction में जब आप construction करें तो आपके जो भी उसके टूल्स हैं, स्टेंसिल्स हैं, ठीक है, उनको प्रॉपरली यूज कीजिए। प्रॉपरली यूज करने का मतलब कि उनको सही तरीके से, जैसे प्रोटेक्टर है, कंपास है, ताकि ऐसा ना हो कि जब आप आर्क ड्रॉ कर रहे हो तो ओवरलैपिंग हो, यानी कि दो बार आप करें, ठीक है, यानी कि आपने एक आर्क ड्रॉ किया, फिर उसके बाद जरूरत पड़ी उस आर्क को ड्रॉ करने के लिए, तो फिर पता चला कि ऐसे निकल रहा है, लाइक दिस, क्लियर। तो जब हम कंपास या प्रोटेक्टर या स्केल से लाइन ड्रॉ करें तो ओवरलैपिंग ना हो, मतलब ये ना हो, मींस ये ना हो कि आप जो भी कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो उसमें ओवरलैपिंग ना, ओवरलैपिंग इन द सेंस आप ये समझ रहे हैं, ठीक है, क्या मैं यहां पे बताने की कोशिश कर रहा हूं, दैट इज ओवरलैपिंग। दूसरा, जो आपकी पेंसिल रहे वो शार्प रहे, मतलब कि जब आप जहां ड्रॉ कर रहे हो, आप बोर्ड में ड्रॉ करेंगे या घर पे ड्रॉ कर रहे हैं, तो उसका बेस जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए, हार्ड होना चाहिए, ताकि ऐसा भी नहीं हो कि उस शार्प पेंसिल से आपका पेपर फट जाए, ठीक है, पेपर फट जाए, ठीक है। और दूसरा यह है कि पेंसिल शार्प होना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आप आर्क ड्रॉ करते हैं तो जब आपको लाइन ड्रॉ करनी होती, जैसे दो इंटरसेक्टिंग आर्क, तो अब यहां से आपको लाइन को क्रॉस करना है, तो लाइन यहीं से क्रॉस होनी चाहिए, मतलब अगर आर्क्स आपने ऐसे बनाया है तो ये जो इंटरसेक्टिंग लाइन है तो फिर यहीं से लाइन क्रॉस होनी चाहिए। ये नहीं है कि लाइन आपने ड्रॉ किए, आर्क्स ड्रॉ किए और लाइन यहां से क्रॉस कर रही है, नहीं, ये जो हो गया ये रॉन्ग हो गया, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, पेंसिल आपकी शार्प होनी चाहिए, ठीक है। तो जब आप, और तीसरा क्या होगा कि आपका जो कंस्ट्रक्शन होना चाहिए दैट शुड बी नीट एंड क्लीन, मतलब अगर आप रब भी कर रहे हो तो रब मतलब ये नहीं है कि पता चला रब करते जा रहे हैं तो फिर उसके बाद जिस आग को हमें मिटाना था गलत हो गया था वो भी रब कर दिया, मान लिया ऐसे ऐसे रब कर दिया, और साइड का जो करेक्ट था वो भी रब कर दिया, फिर जल्दीबाजी में वहां पे आर्क बनाना था तो टाइम ना हमारा बर्बाद हो तो हमने क्या किया, पेंसिल से वो आर्क बनाना शुरू कर दिया, ये सब नहीं करना है, ठीक है। तो ओवरलैपिंग नहीं होना चाहिए, हम इतनी प्रैक्टिस करें ताकि जब हम कंपास से जो है सर्कल ड्रॉ करें तो वो एक बार में बन के तैयार हो जाए, ठीक है। ओवरलैपिंग भी करने की जरूरत पड़े तो दैट शुड बी फाइन, फाइन ओवरलैपिंग होनी चाहिए, ये नहीं है कि एक लाइन दिख रही है और साथ साथ दूसरी लाइन दिख रही है, पहला तो हमें यह ध्यान देना होता है। दूसरा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज डायग्राम के साथ स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। अक्सर बच्चों को मैंने देखा स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन रटते हैं, गलत करते हैं, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन रटने की चीज नहीं है, और स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन बहुत डिटेल में लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। तो फिर स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन का बेस्ट आइडियल एग्जाम्पल हमारे पास है एनसीईआरटी के स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, ठीक है, मींस उसमें एकदम प्रिसाइज वे में दिया होता है, और ना उसको आपको अपने एक एक स्टेप को डिटेल में लिखना है, ना आपको अपने एक एक स्टेप को बहुत शॉर्ट करना है, इतना कि रेलेवेंट हो और वो बात समझ में आ जाए, और वो एनसीईआरटी में आपके बहुत आराम से दिया हुआ है। दूसरा, ठीक है, रोट लर्निंग नहीं होनी चाहिए, रटना नहीं है आपको स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन को, तो फिर करे क्या, देखो जब भी आप एग्जामिनेशन की कॉपी देखते हैं तो आपके एग्जामिनेशन अगर आप पूरा ओपन कर दें कॉपी को तो इस तरह से होती है, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, ठीक है, लेंथ एंड विड्थ। तो कोशिश करें जब आप कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करेंगे तो जब आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि भाई 5 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल बना रहे हैं या 10 सेंटीमीटर का बना रहे हैं या 3 सेंटीमीटर का बना रहे हैं तो कितना स्पेस लग सकता है, ठीक है। तो उसका बेस्ट ये रहता है, मैं हमेशा हर साल बच्चों से कहता हूं, जो भी कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है तो कोशिश कीजिए कि आपके कॉपी का ये वाला पेज भी ब्लैंक मिले और ये भी, मतलब आपने इसमें लिख दिया कोई आंसर, अब ये वाला खाली है और इसके पीछे वाला नेक्स्ट पेज खाली है, मतलब ये वाला अगला पेज, ये वाला पेज इसके पीछे है, तो आप यहां पे ड्रॉ करेंगे
फिर उसके बाद पीछे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे तो उसमें गलती होने के चांसेस होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा गलती होगी, तो इसीलिए कोशिश कीजिए यहाँ पे कोई और क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन के लिए एकदम आमने सामने, यानी इस पेज पे कंस्ट्रक्शन कीजिए और इस पेज पे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन साथ साथ लिखते जाइए। मतलब आपने बनाया यहाँ पे लाइन ए बी 5 सेंटीमीटर की, जैसे ही बनाया उसका पहला स्टेप यहाँ पे लिख दो, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आप एक एक स्टेप ड्रॉ करते जाओ और उसका स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखते जाओ, तो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी और इस रटने में जो टाइम वेस्ट होता है और जो कंफ्यूजन क्रिएट होता है वो भी नहीं होगा। तो एक स्टेप करो साथ में वो स्टेप लिखो, फिर दूसरा स्टेप करो साथ में वो स्टेप लिखो, जल्दी कंस्ट्रक्शन होगा, चांसेस ऑफ एरर 0.001% रह जाते हैं एकदम, प्रोवाइडेड कि आपने कंस्ट्रक्शन फेयर ड्रॉ किया है। तो ये सारे रूल समझ में आए कंस्ट्रक्शन के? जिन्होंने लेट ज्वाइन किया वो शुरू का पोर्शन रिकॉर्डेड वीडियो में देख लेंगे। तो अगर ये फॉलो करोगे तो 100% मार्क्स मिलेंगे जो भी कंस्ट्रक्शन होगा, ठीक है। अब देखें, अब जो हमें सबसे पहले स्टडी करना है, तीन टॉपिक्स हैं इसमें, डिवाइडिंग अ लाइन सेगमेंट इन अ गिवन रेशियो, ड्रॉइंग अ ट्रायंगल एंड टेंजेंट टू अ सर्कल। तो ट्रायंगल वाला पोर्शन आपका डिलीटेड है, तो आपको सिर्फ दो टॉपिक हैं, वन इज टू ड्रॉ द लाइन टू डिवाइड अ लाइन सेगमेंट, यानी सबसे पहला हम टॉपिक ले रहे हैं टू डिवाइड अ लाइन सेगमेंट इन अ गिवन रेशियो। तो अपने स्टेंसिल्स के साथ रेडी हो जाइए, साथ साथ प्रैक्टिस नहीं करेंगे फिर आप रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है। और जो स्टेप करते जाएं, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख रहे हैं नहीं लिख रहे हैं वो आपके ऊपर है, लेकिन स्टेप्स करते जाइए और टू डिवाइड अ लाइन सेगमेंट इन अ गिवन रेशियो। कोई भी रेशियो गिवन है उस रेशियो में आपको लाइन को सेगमेंट को ड्रॉ डिवाइड करना है। देखो अब लाइन सेगमेंट को अगर ये बोल रहा है कि एक लाइन सेगमेंट है उसको आप 3:2 के रेशियो में डिवाइड कीजिए, तो आप किसी भी लेंथ का लाइन सेगमेंट ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको स्पेसिफाई कर देगा क्वेश्चन में कि ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ 5 सेंटीमीटर एंड डिवाइड इट इन टू इन द रेशियो ऑफ 5:3, ठीक है, तो फिर आपको 5 सेंटीमीटर का ही लाइन सेगमेंट लेना है। तो यहां पे हम एक अननोन लेंथ का ले रहे हैं, ठीक है, अननोन लेंथ, ओके। तो सबसे पहले स्केल पेंसिल सबके साथ रेडी हो जाइए। तो अब यहां पे एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे और उस लाइन सेगमेंट को हम डिवाइड करेंगे एक गिवन रेशियो में। तो हमने यहां पे लाइन ड्रॉ किया, ठीक है, तो यहां पे अब स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखते जाएंगे, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, ठीक है, ड्रॉ ए बी इज इक्वल टू एनीथिंग, जितना की भी आपने बनाया, मान लीजिए हमने फॉर एग्जांपल 7 सेंटीमीटर का बनाया, ठीक है, तो ड्रॉ ए बी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ये हमने ड्रॉ कर लिया। चलिए जल्दी बनाइए, डन लिखिए, मैक्सिमम स्टूडेंट्स का डन आ जाए मैं नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ जाऊंगा, इसलिए मैंने कल पहले ही बोल दिया था, जब कर लेंगे तो आपको व्हाट्सएप भी करना, याद रखिएगा, ठीक है। तो ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ये हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब इस लाइन सेगमेंट को मान लीजिए मैं 3:4 रेशियो में हमें डिवाइड करना, ये रेशियो क्वेश्चन में गिवन होगा। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब देखिए स्केल को ही यूज करना, बट मैं यहाँ पे सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूं तो मेरी स्ट्रेट लाइन ऑटोमेटिकली बन जाएगी, लेकिन आप स्केल को यूज करेंगे और ए से एक एरो ड्रॉ करेंगे, स्केल का यूज करके। मैंने स्केल को यूज पहले यूज करके इसलिए दिखाया, नहीं तो आप अपने हाथ से ही सिर्फ बनाने लगते, अरे सर ने भी तो डायरेक्ट ही बनाया था, ठीक है। अब हमने यहां पे एक एरो बनाना है ए एक्स, ठीक है, ओके। तो हम यहां पे लिखेंगे ड्रॉ रे ए एक्स मेकिंग एक्यूट एंगल विथ ए बी,
ठीक है, तो स्केल से एक रे ड्रॉ कीजिए। और डन लिखिए। तो सेकेंड स्टेप क्या होगा, उस लाइन के एक पॉइंट से हमें एक रे ड्रॉ करना है। ठीक है, अब देखिए थर्ड स्टेप हमारा ये होगा कि हम ये जो रेशियो दिया हुआ 3:4 इसको सम करेंगे। यानी 3+4 क्या हो गया 7। ठीक है, 3+4 क्या हो गया 7। अब हम कंपस का यूज करके, ठीक है, कंपस का यूज करके हम 7 इक्वल पार्ट्स इस पे बनाएंगे, 7 इक्वल पार्ट्स रे ए एक्स पे। तो हमने क्या किया, हमने कंपस लिया, इसको एक एक यूनिफॉर्म विड्थ ले ली। अपने कंपस को ओपन कर लीजिए, ना बहुत ज्यादा आपको बड़ा लेना है रेडियस, ना बहुत छोटा लेना है, इतना कि आपके लिए कन्वीनियंट हो और वो 7 इक्वल पार्ट्स यहां पे आप ड्रॉ कर सको। अब मैं इसको यहां पे बना रहा हूं। इसको रख लिया यहां पे, ऐसे हो गया, योर नेटवर्क इज बैड। क्यों भाई, व्हाई अबू ज़ैद माय नेटवर्क इज बैड, सच अ स्ट्रेट कमेंट टू मी। आप सर नहीं गए हैं? हाँ सर, वो विवेक का सर नेटवर्क सर सही नहीं था, इसलिए सर कह रहे थे सर, वो बार बार लिख रहा था सर। बिल्कुल, इसीलिए चैट बॉक्स में जिसने कमेंट किया उसको मुझे देखने दीजिए, ताकि इसी तरह कंफ्यूजन होगा ना। ठीक है, तो चलिए अब यहां पे हमने रखा एक इक्वल डिस्टेंस लीजिए। अब आर्क कट कीजिए, देखिए यहां पे मैंने आर्क कट किया, आग कट कीजिए, उसके बाद फर्स्ट 7 इक्वल पार्ट्स अब यहां पे रखिए, ठीक है, निडल को। अब उसके बाद सेकेंड आर्क, ठीक है, ठीक है, उसके बाद थर्ड आर्क, एकदम इक्वल जब आप उसको रखें तो फिर नाउ फोर्थ, क्योंकि 7, अब कितने पार्ट्स हो गए, 1, 2, 3, 4, 4 पार्ट्स हो गए हमारे। ठीक है, फिर उसके बाद फिफ्थ पार्ट ड्रॉ करना है, फिफ्थ आर्क हमने ड्रॉ किया, तो 1, 2, 3, 4, 5 पार्ट्स हो गए। क्यों, क्योंकि हम टोटल करेंगे 3+4, 7। ठीक है, तो कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी 7 इक्वल पार्ट्स हमने बना लिए। ठीक है, चलिए ऐसे बना लीजिए 7 इक्वल पार्ट्स सब लोग, जो रेशियो दिया हुआ है उसका सम करके उतने इक्वल पार्ट्स हमें बना लेने हैं। बना लीजिए और डन लिखिए। ठीक है, अब देखो इसको लिखेंगे कैसे, तो अब इसको मेंशन कर देंगे, इसको थोड़ा सा मैं मिटा दूं यहां पे स्पेस के लिए सिर्फ। ठीक है, दैट इज ए, ये ए मैंने इधर कर दिया, और मैं थोड़ा मार्कर चूज कर लूं, तो ये हो गया A1, ठीक है, A2, A3, A4, दैट शुड बी वेरी क्लियर, A5, थोड़ा यहां पे स्पेस कम है आपका जो है, मतलब क्लियर होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि एकदम जो है वो थोड़ा सा क्लियर दिखना चाहिए। ठीक है, तो हम A1, A2, A3 ये हमने बना लिया A7 तक, तो यहां पे लिखेंगे लोकेट A1, A2, A3, A4, A5, A6 एंड A7 ऑन रे
एक्स ऑफ इक्वल डिस्टेंस, ऑफ इक्वल रेडियस, आप ये भी कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जब हम इसको कर लेंगे तो लास्ट वाला जो होगा, लास्ट वाला A7 और ये जो B है इसको ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। तो यहां पे लिखे नेक्स्ट स्टेप दैट इज ज्वाइन A7B, ज्वाइन A7B, यहां तक कीजिए, डन लिखिए। हो गया। अब देखिए यहां पे ये ए बी जो है आपकी, ये मेन लाइन है, मेन लाइन को मत भूलिएगा, इसको डिवाइड करना है, ठीक है। इसी को डिवाइड करने के लिए सारी स्ट्रेटजीज की जा रही हैं। अब जैसे ही आपने ए सेवन बी को डिवाइड किया तो देखो यहां पे अगर 3:4 देखो, यानी 3 पार्ट्स और 4 पार्ट्स, तो 3 पार्ट्स ये हो गए और 4 पार्ट्स यानी A1, A2, A3 ये 3 पार्ट्स हो गए और A4, A5, A6, A7 ये 4 पार्ट्स हो गए। तो लेकिन डिवाइड हमें ए बी को करना है, तो अब 3 पार्ट्स यानी कि A1, A2, A3, यहां से इस A3 से हम एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करेंगे इस A7B के। लेकिन कैसे? क्योंकि जब आप लाइन ड्रॉ करोगे वो एकदम पैरेलल होनी चाहिए, यानी कि यहाँ पे 3:4 में डिवाइड करना है, तो पहला पार्ट यानी पहला सेगमेंट 3 पार्ट्स का है, तो यहाँ पे 3 पार्ट्स हमने काउंट किए। यहां से अब लाइन पैरेलल ड्रॉ करेंगे, यहां से लाइन A3 से पैरेलल ड्रॉ करेंगे, ठीक है, और इस A7B के। लेकिन लाइन पैरेलल कैसे ड्रॉ करेंगे उसके लिए अब समझिए, ठीक है। देखो अब उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें फिर से चाहिए दैट इज कंपस। मैं इधर से ले ले रहा हूं, ठीक है, और थोड़ा सा देखो जब हम कंपस यानी कि अब हमें पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो लाइन है देखो यहां पे ये आपको कंपस लेटा हुआ दिख रहा है, लेकिन आप मतलब स्टैंडिंग पोजीशन तो कंपस की यहां पे शो नहीं कर सकते। तो यहां पे आपको क्या करना है, आप कंपस लीजिए और इसका कोई भी एक नॉमिनल सा रेडियस ले लीजिए, ठीक है, ताकि कन्वीनियंट हो आपके लिए। अब आपको क्या करना है, देखो अब आपने रखा उसका नीडल इस पॉइंट पे A7 पे और एक आपने रेडियस ले लिया, ठीक है। उसके बाद आपको एक आर्क ड्रॉ करना है, एक आर्क, सॉरी, ठीक है। यहां पे आपने A7 पे रखा, ठीक है, नीडल को, और उसके बाद अब आप क्या करेंगे, अब अपने आर्क को ड्रॉ करेंगे। कैसे? देखो ये आर्क जो होना चाहिए वो इसको क्रॉस करना चाहिए, ओहो, अब देखिए अब बन जाएगा, यस, ठीक है। यानी यहां पे आप रखिए इस आर्क को ड्रॉ करो, देखो अब मैं इसको हटाता हूं, देखो ये आर्क ड्रॉ हो गया, सब लोग आर्क ड्रॉ करो ऐसे, और इस
कंपस का जो रेडियस है वो चेंज मत करना, हो गया। अब उसके बाद कितने पार्ट्स लेने थे, थ्री, तो ए थ्री पे, अब इस कंपस को आप ए थ्री पे ले जाओ, ठीक है, ए थ्री पे, ए थ्री पे ले गए, ठीक है, सेम रेडियस के साथ। और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, अब यहां पे भी उसी रेडियस का आर्क ड्रॉ करेंगे, लाइक दिस आर्क ड्रॉ करेंगे, ठीक है। बस पूरा सर्कल नहीं ड्रॉ करना है, देखो पहले इसको आर्क ड्रॉ किया A7 पे रखे, क्योंकि हमें थ्री पार्ट्स चाहिए थे, तो A3 पे गए और कंपस को रखा, और उसके बाद हमने आर्क को ड्रॉ किया, हो गया। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, कंपस को लिया, और ये जो आर्क, देखो ये जो आर्क इस लाइन, इस रे ए एक्स पे जहां पे इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, तो कंपस के नीडल को वहां रखेंगे, ठीक है। और उसके बाद ये जो ए सेवन बी पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये हम वहां तक, देखो इसको मेजर करेंगे, आर्क नहीं ड्रॉ करेंगे, सिर्फ मेजर करेंगे, मतलब ये जो आर्क यहां पे ए एक्स पे जहां पे इंटरसेक्ट कर रही थी वहां पे नीडल रखा, और पेंसिल अपने कंपास का कहां रखेंगे, जो ए सेवन बी पे जहां पे आर्क है, मतलब यहां के डिस्टेंस मेजर करेंगे, आर्क नहीं ड्रॉ करना है, मेजर करना है। कर लिया सबने, ठीक है। और फिर अपने कंपास को उठा के ये देखो यहां पे जो आर्क था यहां पे रखेंगे, और उसके बाद देखो ए, उसके बाद कहां पे, असल में क्या ना यहां पे स्पेस नहीं है ऊपर, तो इस वजह से कंपस नीचे आ जा रहा है। चलो मैं काम करता हूं, मैं थोड़ा सा मैन्युअली इसको कर देता हूं, ठीक है। कंपस से आप क्या करोगे, देखो कंपस से आप क्या करोगे, जितना ये डिस्टेंस मेजर किया था, तो यहां पे कंपस रखोगे नीडल, और फिर आर्क यहां पे मार्क करोगे, ऐसे मार्क कर दिया, देखो कंपस को यहां पे जो इंटरसेक्शन पॉइंट है यहां पे मेजर करना है डिस्टेंस, और फिर इस आर्क पे रख के आपको मार्क कर देना है। मार्क करने के बाद अब स्केल लेना है, और ए थ्री और ये पॉइंट को क्रॉस करते हुए आपको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है, इंटरसेक्ट करनी है यहां पे, समझ गए। और ये आपका क्या हो जाएगा, मान लीजिए सी, ठीक है। तो इतना जब आपने कर लिया, तो आप स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में क्या लिखोगे, सिर्फ लिखोगे ड्रॉ ए थ्री सी पैरेलल टू ए सेवन बी। देखो यहां पे हमें ए सेवन बी की से एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करनी थी, तो हमने इतना किया, पहले एक आर्क ड्रॉ किया उसी रेडियस का, A3 पे रख के आर्क ड्रॉ किया। A3 पे क्यों रखा, क्योंकि यहां पे रेशियो 3:4 है, पहले 3 पार्ट्स हैं, तो A3 पे रखा। फिर A3 पे रखने के बाद हमने आर्क ड्रॉ किया, उसके बाद जो यहां पे इंटरसेक्शन पॉइंट्स थे रे पे और यहां A7B पे, इसको कंपास से मेजर किया और यहां पे रख के उस लाइन पे, उस आर्क पे इंटरसेक्ट किया, और फिर ज्वाइन करते हुए AC ड्रॉ कर दिया। तो अब देखो ये जो है, अब AC:CB जो है वो किस रेशियो में लाइन डिवाइड हो गई, 3:4, क्योंकि ये इसके पैरेलल है, तो थ्री पार्ट्स जैसे यहां पे है वैसे ही थ्री पार्ट्स यहां पे है, जैसे फोर पार्ट्स यहां है वैसे ही फोर पार्ट्स यहां पे है। तो यहां पे सिक्स लिखेंगे, सिक्स पॉइंट क्या लिख देंगे, मतलब फाइनल कि 10 AC:CB इज इक्वल टू 3:4, दैट्स इट, ठीक है। तो इस तरीके से हम लाइन, अब मान लो कि 5:3 दिया होता, तो 5+3 कितना हो जाता, 8, तो हम 8 पार्ट्स में डिवाइड करते और जो लास्ट वाले को ज्वाइन कर देते, और
पांचवे पार्ट यानी ए फाइव पे हम पैरेलल लाइन ड्रॉ करते तो 5:3 में डिवाइड हो जाता। कोई कंफ्यूजन इसमें? तो हमें कंस्ट्रक्शन करना है और साथ साथ स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखना है। तो देखो एक प्रिसाइज वे में हमने स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखा, ठीक है। तो ये आएगा आपका लाइन सेगमेंट, अगर आया क्वेश्चन तो लाइन सेगमेंट को एक पर्टिकुलर रेशियो में डिवाइड करने के लिए आएगा, दैट्स इट। अब आते हैं टेंजेंट टू अ सर्कल, ठीक है। टेंजेंट टू अ सर्कल नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, टेंजेंट टू अ सर्कल। ये बोर्ड रिमूव कर दूं, डिलीट कर दूं, मिटा दूं। Now next is we have to draw tangents to a circle. एक tangent, दो tangent, circle with known radius, circle with unknown radius, circle with known center, circle with unknown center, ठीक है। तो पहले concept को समझते हैं। देखो कोई भी circle हो तो टैंजेंट क्या होता है? टैंजेंट वो लाइन होती है जो सर्कल से सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, मतलब अगर वो क्रॉस भी कर रही है उसको, ठीक है। मींस टैंजेंट वो लाइन होती है जो सर्कल से सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, ठीक है, ओनली वन पॉइंट, तो वो टैंजेंट है, ठीक है। और अगर सेंटर ऑफ सर्कल से जब आप इस रेडियस को ज्वाइन कर देते हो, रेडियस को उस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से ज्वाइन कर देते हो, तो ये एंगल 90 डिग्री होता है। कितना होता है? 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो टेंजेंट वो लाइन होती है जो कि सर्कल से एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है सिर्फ, तो उसी टेंजेंट को हमें ड्रॉ करना है। और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि जब एक पॉइंट से, एक्सटर्नल पॉइंट से आप एक सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करो, तो एक एक्सटर्नल पॉइंट से आप दो ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो मैक्सिमम, ठीक है। तो अब यहां पे है कि ये जो दो टेंजेंट्स आपने ड्रॉ किया AT और AP, इनकी लेंथ इक्वल होगी, ठीक है, इनकी लेंथ इक्वल होगी, ओके। यानी जब एक्सटर्नल पॉइंट, ये एक्सटर्नल पॉइंट है, इससे जब आप ड्रॉ करोगे तो ये लेंथ इक्वल होती है। सेंटर से जब आप रेडियस इस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से करते हो तो ये एंगल 90 डिग्री होगा, ठीक है। ये एंगल क्या होगा? 90 डिग्री होगा, यानी सेंटर से और इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को जब आप ज्वाइन करते हो तो ये 90 डिग्री होगा। और दूसरी चीज जो भी दो टेंजेंट्स आप सर्कल पे ड्रॉ करोगे तो इन दो एंगल्स का सम, ये कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, ठीक है, ये दो एंगल्स, ये और ये, इन दोनों का सम क्या होगा? दैट विल बी 180 डिग्री, ठीक है। यानी इस एंगल प्लस दिस एंगल जो सेंटर पे बन रहा है, इनको जब एड करोगे तो इनका सम कितना आएगा? 180 डिग्री। देखो ये जो दो एंगल्स बचे हुए हैं, ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, तो क्वाड्रिलेटरल के चार एंगल्स होते हैं, तो ये 90-90 हो गया, ये 90 तो हो गई, ये 90 तो हो गई, कब? जब उस टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे रेडियस आप ज्वाइन करते हो तब 90 डिग्री होगा। तो 90-90-180 तो यही हो गया, ठीक है, और इन दो का सम 180 हो जाएगा। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपके दिमाग में होने चाहिए कि एक्सटर्नल पॉइंट से जब हम टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं तो वो दोनों टेंजेंट्स इक्वल होंगे, रेडियस और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट यानी टेंजेंट और रेडियस के बीच में एंगल 90-90 डिग्री का होता है, और जो आपका टेंजेंट्स जो एंगल बनाता है और जो सेंटर पे एंगल बनता है, इनका सम 180 डिग्री होता है, ठीक है। अब इसी के बेसिस पे हम अपने टेंजेंट्स को ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि कोई भी आपको रेडियस दे दिया, 5 सेंटीमीटर रेडियस, 6 सेंटीमीटर रेडियस, 3 सेंटीमीटर रेडियस, 10 सेंटीमीटर रेडियस, इस रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ कीजिए और एक एक्सटर्नल पॉइंट से इसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ कीजिए, ये आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेते हैं कि ड्रॉ a circle of radius 5 centimeter and draw a tangent to the circle from an
एक्सटर्नल पॉइंट ए, यानी इसमें क्या रहा है, एक टेंजेंट। तो चाहे एक टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए बोले, चाहे दो टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए बोले, ठीक है, मेथड वही है, स्टेप्स वही है, ठीक है, सेम। तो देखो सबसे पहले अब 5 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ कीजिए, एक प्रॉपर स्पेस होना चाहिए आपके सामने, ठीक है। तो एक 5 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ कीजिए, मैं डायरेक्ट ड्रॉ कर दे रहा हूं, हालांकि आप कंपस से ड्रॉ करेंगे, और उसका सेंटर आपने देखा होगा उसके नीडल पे ही होता है, ठीक है। तो आप उसके सेंटर को यहां पे मेंशन कर दीजिएगा, और इतना कीजिए कंपस से, वालेकुम अस्सलाम, इतना कंपस से कीजिए और डन लिखिए। एक सर्कल 5 सेंटीमीटर का ड्रॉ कीजिए और सेंटर पे ओ मेंशन कीजिए, और बाहर कोई भी एक एक्सटर्नल पॉइंट ए बना दीजिए, इतना कीजिए। हाँ, ये भी समझना कि अगर वो क्वेश्चन में मेंशन करेगा, जैसे मैं आपको दिखाता हूं, देखो देखो यहां पे क्या बोल रहा है, ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर फ्रॉम अ पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर। यानी यहां पे कह रहा है वो जो एक्सटर्नल पॉइंट है वो 10 सेंटीमीटर दूर है, तो आप 10 सेंटीमीटर दूर ही बनाएंगे, ठीक है। अगर कुछ नहीं बोल रहा है तो आप कितनी भी दूर उसको ले सकते हैं। तो यहां पे बोल रहा है 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर, तो सेंटर से 10 सेंटीमीटर स्केल पर रख के और उसको आप ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। तो कंस्ट्रक्ट द पेयर ऑफ टेंजेंट, यहां पे दो टेंजेंट बनाना था और उसकी लेंथ को मेजर करना है, तो बात वही है, कॉन्सेप्ट वही है, ठीक है। तो यहां पे कह रहा है कि एक एक्सटर्नल पॉइंट से आपको ड्रॉ करना है टेंजेंट, हो गया, इतना ड्रॉ कर लिया। ठीक है, तो अब स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, सेकेंड टेक अ पॉइंट ए आउटसाइड टू द सर्कल, आउटसाइड टू द सर्कल, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हमारा क्या होगा कि हम इस ए और ओ को इस स्केल से ज्वाइन करेंगे, चलिए ज्वाइन कीजिए। नाउ कमिंग टू द थर्ड, ज्वाइन ए ओ, हो गया। ओके, अब देखो ये जो AO आपके सामने आया है, तो पहले क्या सर्कल ड्रॉ करना है, उसके बाद एक्सटर्नल पॉइंट लेना। अगर एक्सटर्नल पॉइंट और सेंटर के बीच की डिस्टेंस दी हुई थी, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन दिखाया, तो उतनी डिस्टेंस पे आपको सेंटर पर ये जो एक्सटर्नल पॉइंट है वो बनाना पड़ेगा। अब नेक्स्ट जो है स्टेप, इस AO का आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। और याद रखिए जो कंस्ट्रक्शन की मेन लाइंस होती है वो हमेशा सॉलिड से शो की जाती है, और जो कंस्ट्रक्शन की मेन लाइंस नहीं होती है वो डॉट्स शो की जाती है। वेट अ सेकेंड, जस्ट वेट वन सेकेंड, वेट फॉर वन सेकेंड।
हाँ एक्सटर्नल पॉइंट आप कहीं भी ले सकते हैं, एक्सटर्नल पॉइंट आप कहीं भी ले सकते हैं, बट ये ध्यान रखिएगा अगर दिया होगा डिस्टेंस तो वो लेना। तो अब इस एओ का हमें क्या करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एओ। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करना है आप सब लोग जानते हैं, आप क्या लें, आप कंपस लें और ठीक है। अब जब कंपस लेते हैं तो अब इसमें क्या करते हैं, यहां पे रखा और मोर देन हाफ हम रेडियस लेते हैं, ठीक है, मोर देन हाफ हम रेडियस लेते हैं, रेडियस लेते हैं मोर देन हाफ, यानी कि एक तरफ हमने रखा नीडल और मोर देन हाफ रेडियस लेते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, ऊपर आर्क ड्रॉ करते हैं, ठीक है, और एट द सेम टाइम हम क्या करते हैं, नीचे आर्क ड्रॉ करते हैं, ठीक है। उसके बाद सेम रेडियस पे हम दूसरे पॉइंट पे जाते हैं, ठीक है, और उसके बाद हम आर्क ड्रॉ करेंगे, क्लियर। और उसी तरीके से हम ऊपर आर्क ड्रॉ करेंगे। अब देखिए यहां पे जब आपने देखा, जब हमने आर्क को ड्रॉ किया है तो फिर देखिए वो ओवरलैप सही से नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, बहुत ही प्रिसाइजली हम अपने कंपास को फिर वापस उसी पे ले जाएंगे, उसी पॉइंट पे ले जाएंगे सेम रेडियस के साथ और आर्क को कंप्लीट करेंगे, ठीक है, आर्क को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। अब देखो यहां पे एक छोटी सी गलती हुई है, दिख रहा है यहां पे, देखो ओवरलैप दिख रहा है ना, दिख रहा है ओवरलैप, हाँ ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो बट ड्यू टू लिमिटेशन है, अब क्या करेंगे, ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है अब हम लेंगे स्केल। अब ध्यान रखो मैंने क्या बोला था कि हमें क्या करना होता है, जो मेन लाइंस नहीं होती हैं, जो कंस्ट्रक्शन की मेन लाइंस नहीं होती हैं, ठीक है, उनको हम कैसे शो करते हैं, डॉटेड। तो अब दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स को हम मिलाएंगे और उसके बाद ठीक है डॉटेड लाइन ड्रॉ करें लाइक दिस, और कोशिश करेंगे कि हमारी जो लाइन है वो एकदम दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से क्रॉस करे। तो अब ये जो हमारा ओ आया है, ये सॉरी ये ठीक है, ये पॉइंट बहुत ध्यान से समझिएगा, ये वाला जो पॉइंट आया है इसको कुछ भी आप मेंशन कर दिया सी, ये इसका सेंटर पॉइंट हो गया। तो हमने ये क्या ड्रॉ कर दिया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया सबका। देखो टेक्नोलॉजी से हम स्क्रीन पे बैठे बैठे, हम लोग आप दूर हैं मुझसे, लेकिन तब भी हम कंस्ट्रक्शन कर पा रहे हैं, लाइव क्लास में कंस्ट्रक्शन कर पा रहे हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखो व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप ये है कि अब ये एओ का आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, अब इस एओ पे आप सेमी सर्कल ड्रॉ करोगे। लेकिन सेमी सर्कल जब आप ड्रॉ करें, बहुत ध्यान से देखिएगा, तो वो आप डॉटेड लाइन पे शो करेंगे, डॉटेड लाइन पे, ठीक है, डॉटेड लाइन से आप शो करेंगे। मैं इसका थोड़ा सा साइज रिड्यूस कर दे रहा हूं ताकि, अब देखो अब हमें क्या करना है, अब हमें सेमी सर्कल ड्रॉ करना है, ठीक है। तो यहां पे रखा और पूरी लेंथ हमने ले ली, रेडियस ले लिया, यानी सेंटर पे रखा, रेडियस ले लिया, पॉइंट क्लियर हो गया। ठीक है, अब यहां पे हमें सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। तो देखो सेमी सर्कल डॉटेड मैं थोड़े थोड़े गैप पे बनाऊंगा, थोड़ा सा मुझे टाइम लगेगा बनाने में, बट आपको क्लियर हो जाएगा कि करना क्या है, डॉटेड बनता हुआ दिख रहा है, विजिबल है सबको, ठीक
ठीक है। अब देखो थोड़ा सा इधर ही आया है, एकदम ये पॉइंट टू पॉइंट होना चाहिए, ठीक है, एकदम पॉइंट टू पॉइंट। इधर जैसे ये पहले आ गया ना, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, एकदम ए पे आके इसको मीट करना चाहिए, ठीक है। तो हम यहां पे इसलिए इग्नोर कर रहे हैं बिकॉज ऑफ, क्योंकि यहां पे बहुत सारे लिमिटेशंस हैं, ठीक है। तो इस वजह से हमने क्या ड्रॉ किया, एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है, हमने सेमी सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है। सब लोग सेमी सर्कल ड्रॉ करो, हो गया। अब देखो यहां जो सेमी सर्कल पे, सेमी सर्कल जब आप ड्रॉ कर रहे थे तो फिर देखो यहां पे पॉइंट छूट गया है, मैं इसको कंप्लीट कर देता हूं इस पॉइंट पे फिलहाल, ठीक है। तो ये जो जहां पे ये सेमी सर्कल इंटरसेक्ट कर रहा था ना, इंटरसेक्ट कर रहा था, ठीक है, ये पॉइंट आपका हो गया पी, यानी जो आपको ज्वाइन करना है। तो आप ये जो पॉइंट सेमी सर्कल इस वाले सर्कल पे जहां इंटरसेक्ट करेगा उसको मेंशन कीजिए, कुछ भी मेंशन कर सकते हैं, पी एम एन कुछ भी मेंशन कर सकते हैं। मेंशन करने के बाद आप यहां से ए से उठाइए और इस पी को ज्वाइन कर दिया, ये आपका टैंजेंट ड्रॉ हो गया। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या होता है इसके बाद, ठीक है, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के बाद, नाउ टेकिंग ए एस सेंटर एंड ए सी एज रेडियस, ड्रॉ अ सेमी सर्कल, ड्रॉ अ सेमी सर्कल, ठीक है, ड्रॉ अ सेमी सर्कल इंटरसेक्टिंग इंटरसेक्टिंग द सर्कल एट पी, ठीक है, इंटरसेक्टिंग द सर्कल एट पी। नाउ लास्ट स्टेप, ज्वाइन एपी, दैट्स इट, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन कंप्लीट। यस, ठीक है। तो ये तब हमें करना है, बहुत ध्यान से समझिएगा इस चीज को, ये तब हमें करना है जब एक टैंजेंट ड्रॉ करनी है। अब आप कहेंगे सर अगर हमें दो टैंजेंट्स ड्रॉ करनी है तो देखो क्या करना है, सारा स्टेप सेम रहेगा, बट हमें सेमी सर्कल नहीं ड्रॉ करना होगा, हमें टेकिंग ए एस सेंटर। अब देखो अगर आपने इसको एम मेंशन किया है तो आप लिखेंगे एम एस सेंटर, ये सब ध्यान रखें, इसीलिए रटना नहीं है। पता तो चला ए यहां पे एम बनाया और स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में ए लिखा है, जो यहां पे है, जो यहां पे पॉइंट है उसी को मेंशन करना है। तो जब आपको पेयर ऑफ टैंजेंट्स ड्रॉ करनी है, मतलब एक सर्कल पे दो टैंजेंट्स ड्रॉ करनी है, तो देखो सिर्फ इस स्टेप पे फर्क आएगा, इस सेमी सर्कल की जगह आप क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, सर्कल, ठीक है, और पूरा सर्कल आप ड्रॉ करोगे लाइक दिस, ठीक है। जब आप सर्कल ड्रॉ कर लोगे तो ये वाला पॉइंट तो पी हो गया या एस हो गया या टी, वॉट एवर यू वॉन्ट टू चूज, ठीक है, और उसके बाद ये वाला हमारा हो गया पी डैश, ठीक है। तो अब लिखेंगे हम यहां पे एपी एंड ए पी डैश, दैट्स इट, और यहां पे लिखेंगे इंटरसेक्टिंग द सर्कल एट पी एंड पी डैश। बस यही फर्क है इस वाले स्टेप पे कि आपको सेमी सर्कल के बजाय पूरा सर्कल कंप्लीट कर देना है। कोई डाउट इसमें, बस और कुछ नहीं करना, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी, बस ये फर्क आएगा सेमी सर्कल की जगह सर्कल, और आप मेंशन करोगे पी और पी डैश, एंड ऑब्वियसली 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 दो में क्या करोगे, यू विल ज्वाइन दिस ऑल्सो, ठीक है, बस इसको ज्वाइन कर देना, यानी एपी को भी ज्वाइन कर देना और एपी डैश को, कब, जब आपसे पेयर ऑफ टैंजेंट कहे ड्रॉ करने को, जब आपसे पेयर ऑफ टैंजेंट बोलेगा ड्रॉ करने, ठीक है। कोई कंफ्यूजन, अगले क्वेश्चन पे बढ़े, एवरीवन इन द चैट बॉक्स,
ठीक है। अब देखो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेगा। हो गया ओके। अब देखो अब हम ड्रॉ करते हैं, पहले ये वाला करवा दो ठीक है। अननोन यानी कि आपके सामने एक सर्कल है, आपके सामने एक सर्कल है और उसका सेंटर आपको नहीं पता, यू डोंट नो द सेंटर। और उस सर्कल के ऊपर, क्योंकि देखो जब भी हम सर्कल के ऊपर टैंजेंट ड्रॉ करते हैं तो एक्सटर्नल पॉइंट से सेंटर को ज्वाइन किया जाता है ना, तो जब आपके सामने एक सर्कल ड्रॉ हो जिसका सेंटर ही नहीं पता तब आप क्या ज्वाइन करोगे? ठीक है देखो पॉइंट को समझे। जैसे अभी हमने एक सर्कल लिया और इस एक और सर्कल पे ड्रॉ कर दे रहा हूं ठीक है। इस सर्कल का सेंटर मान लीजिए ओ है और इसका सेंटर आपको नहीं पता। अब एक्सटर्नल पॉइंट ए से जब आपको टेंजेंट ड्रॉ करना है तो पहले आप ए को ज्वाइन करते हो, तो यहां पे एक्सटर्नल पॉइंट इस सर्कल को दिया गया तो अब आपका सेंटर ही नहीं पता ठीक है। सेंटर नहीं पता तो फिर आप किससे ज्वाइन करोगे और कैसे आप टेंजेंट्स ड्रॉ करोगे? तो देखिए आपने ये चीज सीखी भी है नाइन्थ में कि जब एक सर्कल होता है और उसका रेडियस अननोन होता है, सॉरी सेंटर अननोन होता है, तो क्या किया जाता है, उस सर्कल में दो कॉर्ड्स बनाए जाते हैं ठीक है। ये हमने एक कॉर्ड बनाया ए बी, ये आप पहले इन चीजों को पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में, मैं क्विक रिवीजन करा रहा हूं ठीक है। और दो कॉर्ड आपने बनाए, एक कॉर्ड बनाया ए बी और एक कॉर्ड बनाया बी सी। फिर उसके बाद ए बी का आप क्या ड्रॉ करोगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, वैसे ही जैसे अभी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ करते हैं, मैं ये भी मैनुअली बस कर दे रहा हूं ठीक है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया ए बी का, उसी तरीके से आपने बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया ठीक है। बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया तो ये दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां पे मीट करेंगे वो उसका सेंटर होगा। यानी कि एक सर्कल का अननोन सेंटर निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, मींस हम कॉर्ड्स को ड्रॉ कर सकते हैं और उसका सेंटर जब पता चल जाएगा तो फिर इसको ज्वाइन करके उसके बाद हम इससे टैंजेंट ड्रॉ कर लेंगे। एक तो ये तरीका है ठीक है। दूसरा तरीका एक अननोन सर्कल पर ड्रॉ करने के लिए सेकेंड के थ्रू होता है, सेकेंड सेकेंड ठीक है। सेकेंड क्या लाइन होती है, टैंजेंट जो होती है वो सर्कल पे एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है और जो सेकेंड होती है वो टैंजेंट पे दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट, सॉरी सर्कल पे दो पॉइंट पे इंटर। जैसे मैंने ये लाइन अभी ड्रॉ की तो ये क्या है, ये एक सेकेंड है, क्यों, क्योंकि ये सर्कल पे दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है, दैट इज ए बी ठीक है। तो हम सेकेंड्स को ड्रॉ करके यानी सेकेंड को ड्रॉ करके अब हम अननोन सेंटर का जो सर्कल होगा उसको हम बना सकते हैं, उस पे रेडियस उस पे जो है वो टैंजेंट्स हम ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन वो आज मैं अभी ये स्टार्ट नहीं करूंगा, स्टार्ट करूंगा तो इट विल टेक टाइम, अराउंड 20 मिनट्स लगेंगे कम से कम ठीक है। तो बस आज यहां पे एक टाइप हमने लाइन सेगमेंट सीखा, टैंजेंट टू अ सर्कल ड्रॉ करना सीखा, वन टैंजेंट टू टैंजेंट्स एंड डिवाइडिंग अ लाइन इन द सेगमेंट्स। तो ये तीन तरह के क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए। कल हम डिस्कस करेंगे अननोन यानी सर्कल विद अननोन सेंटर पे कैसे ड्रॉ करते हैं और अगर एक पर्टिकुलर एंगल दिया हुआ है तो फिर हम कैसे टैंजेंट्स ड्रॉ करते हैं, या फिर दो सर्कल्स दिए हुए हैं तो फिर इस सर्कल से इस पे टैंजेंट ड्रॉ करना और इस सर्कल से इस पे टैंजेंट ड्रॉ करना हम कैसे ड्रॉ करेंगे, ये कल हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही ठीक है। तो आज कोई असाइनमेंट नहीं, कोई क्विज नहीं, फ्री हैं आप, जितना प्रैक्टिस कर सकते हो कंस्ट्रक्शन को करेंगे और कल पूरी कोशिश करेंगे कि ये जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाए ठीक है। अच्छा कल जो हम कंस्ट्रक्शन करने वाले थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लिकेटेड मतलब बहुत सारे आर्क्स बनाने पड़ेंगे ठीक
तो आपको बहुत कॉन्शियस रहना पड़ेगा कि जब आप ड्रॉ करें उसको तो फिर कहीं गलती ना हो। आर्क आपको, अब ऐसा नहीं है कि इतनी लाइट पेंसिल हो कि आप जब आर्क ड्रॉ कर रहे हो तो वो आर्क ही आपको बाद में ढूंढना पड़ जाए। इस चैप्टर के बाद हम पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मैथ्स में, मैथ्स की बात कर रहा हूं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उसके बाद हम पढ़ेंगे एपी, उसके बाद हम पढ़ेंगे आपका दैट इज ट्रिग्नोमेट्री, फिर एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, उसके बाद ट्रायंगल, उसके बाद सर्कल, उसके बाद एरिया रिलेटेड टू सर्कल, उसके बाद सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। दैट्स इट, फिर आपका ये कोर्स कंप्लीट। कुछ चैप्टर्स हम ऑलरेडी, सर आप बहुत हार्ड वर्क करते हैं हम लोगों को अच्छे से, अच्छा सर बेटा बस क्या बताऊं, दिल नहीं मानता है ना दिल नहीं मानता है कि किसी तरह स्किप करूं, नहीं, जो चीज होनी चाहिए अच्छे से समझ में आ जाए। बट ये है कि आप लोग प्रैक्टिस करो, आप लोग हार्ड वर्क करो, वो चीज रिजल्ट में दिखेगी। ठीक है, थैंक यू फॉर अ कॉम्प्लीमेंट। तो ये हम पढ़ेंगे, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल 30% में है, तो आपका डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला जल्दी खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर आपके पास 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि लेस देन 50% आपका कोर्स रह जाएगा और उसको भी कंप्लीट कर लेंगे विद इन द टाइम। ठीक है, तो कल हम मिलते हैं कंस्ट्रक्शन के साथ, और फिर परसों संडे है, फिजिक्स 10 बजे एक्स्ट्रा क्लास, उस दिन कवर करेंगे आपका सेकेंड चैप्टर ऑफ फिजिक्स कंप्लीट करेंगे। टाइम रहा, अगर टाइम रहेगा तो मैं केमिस्ट्री भी पढ़ा दूंगा। टेस्ट रहेगा 26 सितंबर को। ओके, गुड बाय, स्टे होम, स्टे सेफ। वालेकुम अस्सलाम। सर।